हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रदर मशीन पर। इस वीडियो में आज आपको पजामे बनाना बताऊंगा। तो बीच वाली सुई पीछे करके 55-55 सुइयां दोनों तरफ लगा लीजिए और अपना बॉर्डर बना लीजिए, जैसे भी आपको बनाना है, प्लेन, पट्टे वाला, जैसा भी। पजामे में हमें बॉर्डर बनाने के बाद हर 6 हाथ पर 2-2 सुइयां दोनों तरफ से बढ़ानी है, 18 हाथ तक। मतलब कि 6 पे 2 सुई बढ़ानी है, 12 पे बढ़ानी है और 18 पे बनानी है। तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए मेरे 6 हाथ हो चुके हैं। अब मैं 2 सुई बढ़ाऊंगा और धागा सुइयों के नीचे होना चाहिए। फिर इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे अपने कैरिज को और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से सुइयां 2 आगे बढ़ा देंगे। फिर मैं 12 पे बढ़ाऊंगा, 12 हाथ कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 बढ़ा दी मैंने दोनों तरफ से और अब हमें 15 कर लेंगे क्योंकि मैं 15 का पट्टा दे रहा हूँ। अब हमें इसके 3 हाथ पर बढ़ानी है, तो ये 3 हाथ हो गए तो टोटल मेरे 18 हाथ हो गए। मैंने इस तरफ भी सुई बढ़ा दिया 2 और इस तरफ भी बढ़ा दिया, तो 18 हाथ तक मैंने 2-2 सुइयाँ बढ़ाई हैं। तो टोटल हमें 12 सुइयाँ बढ़ानी हैं, 6-6 दोनों साइड बढ़ानी है। तो वाइट के 6 हाथ पूरे होने पर हमने जो बीच वाली सुई पीछे कर दी उसे हम आगे कर देंगे। जहाँ तक हमारी बीच वाली सुई पीछे है और उसका निशान आ चुका है ये, तो वहाँ तक हमारे कटिंग का निशान है। इसी तरीके से हम अपने पूरे 15-15 के हाथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ध्यान रहे, बीच वाली सुई 6 हाथ पर आगे करनी है सफ़ेद के, मतलब कि 36 पर। ये देखिए जो ये निशान है, ये कटिंग का निशान छोड़ा है मैंने, उससे आसानी रहेगी कटिंग करने में। तो हम अपने 15-15 हाथ के पट्टे कंप्लीट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पट्टे हो चुके हैं। अब जो हमारा कलर का जो ये पट्टा है, इसमें 3 हाथ दे के प्लान कर देंगे 10 हाथ। तो ये देखिए प्लान कर रहा हूँ, तो ये देखिए प्लान हो चुका है। ये डिजाइन मेरा, ये डिजाइन है और ये ऊपर प्लान है। प्लान इसलिए दे रखा है जो कि इसे फोल्ड करने के बाद लास्टिक डलेगी इसमें, तो इसका दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्लेन हाथ बहुत ज़रूरी है पजामे के अंदर। तो अपने अगले पार्ट में मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगा।